चाणक्य IAS एकेडमी पटना सेंटर से चयनित 138 विद्यार्थियों का सम्मान समारोह उनके गार्जियन पेरेंट्स के साथ। ये कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परीक्षा के बाद करते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन ये है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वो तो सम्मान के हकदार हैं ही, लेकिन उनके सक्सेस में जो उनके पेरेंट्स का प्रमुख योगदान रहा है उन्हें भी हम सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम में हम अपने विद्यार्थियों को बुलाते हैं ताकि उन्हें ये प्रेरणा मिल सके कि किस तरीके से उनके बीच उनके क्लासरूम में बैठा हुआ विद्यार्थी कैसे सफल हो सका है और वो प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सके। क्या IAS एकेडमी की स्थापना 1993 में सक्सेसफुल AK मिश्रा सर ने की। आज लगभग 16 राज्यों में 28 ब्रांच चाणक्य IAS एकेडमी के हैं और देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है। इसी का परिणाम है कि लगभग 29 वर्षों में चाणक्य IAS एकेडमी के विभिन्न सेंटरों से 5000 से अधिक विद्यार्थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होकर देश सेवा में अपना महती योगदान दे रहे हैं और राज्य सिविल सेवा के विभिन्न परीक्षाओं में हजारों अन्य विद्यार्थी चयनित होकर अपना योगदान दे रहे हैं। चाणक्य IAS एकेडमी पटना की स्थापना 2013 में हुई और तब से हम लोग लगातार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाणक्य IAS एकेडमी के सभी सेंटर वही सुविधाएं विद्यमान हैं जो दिल्ली के प्रमुख सेंटर में विद्यमान है। वही शिक्षक हैं जो रोटेशन पर सभी जगहों पर सभी सेंटरों पर जाकर पढ़ाते हैं। हमारे पास लगभग 500 शिक्षकों का पुल है जो रोटेशन पर सभी ब्रांचों में जाकर पढ़ाते हैं। वही स्टडी मटेरियल, वही लाइब्रेरी की सुविधा, वही डाउट क्लियरेंस सेशन, वो तमाम सुविधाएँ जो मेट्रो सिटीज़ में किसी बड़े इंस्टीट्यूट और स्वयं चाणक्य IAS एकेडमी में उपलब्ध है, वो वही सुविधा हम लोग रीजनल सेंटर पर उपलब्ध कराते हैं और सक्सेस गुरु AK मिश्रा के सर के इस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने ये सपना देखा था कि देश के सभी बड़े शहर और रीजनल और प्रदेश की राजधानियों में कम से कम हमारे सेंटर हों और वही सुविधाओं के साथ हों ताकि विद्यार्थियों को मेट्रो सिटीज़ में जाकर स्ट्रगल न करना पड़े। छोटा, कितने विद्यार्थी सफल हुए आपके यहाँ? 138 विद्यार्थी सफल हुए 66वीं BPSC परीक्षा। कुछ रैंक बताइए, कितने रूम का रैंक? रैंक 8 है, ठीक है। और इसके बाद लगभग टॉप 100 में 16 विद्यार्थी हैं और टोटल सिलेक्शन हमारा जो है 138।